स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपनी YouTube चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों आज हम सब 12 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा लैंगिक जनन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक लैंगिक जनन। तो आज का टॉपिक है लैंगिक जनन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो लैंगिक जनन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके अन्य नाम हैं, अन्य नाम इसको सहजनन, सहजनन, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइनिजेसिस, साइनिजिनेसिस, या इसे कहते हैं उभय मिश्रण, उभय मिश्रण, या जिस ये इंग्लिश में कहा जाता है एम्फीमेक्सिस, एम्फीमेक्सिस, या इसे कहा जाता है एम्फीगोनी, एम्फीगोनी, या इसे इंग्लिश में एम्फीगोनी कहा जाता है। उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे, लैंगिक जनन कहते किसको हैं, परिभाषा या डेफिनेशन। तो इसमें देखेंगे, जब विपरीत लिंग वाले, जब विपरीत लिंग वाले, लिंग वाले भिन्न जीव आगुणित, आगुणित नर तथा मादा मिलकर, नर तथा मादा मिलकर, मिलकर युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसके बाद लैंगिक जनन की विशेषताएं देखेंगे। लैंगिक जनन की, जनन की विशेषताएं। तो लैंगिक जनन की विशेषताओं को बिंदुवत देखेंगे, जिसमें पहला बिंदु है, इस विधि में दो प्राणी भाग लेते हैं, दो प्राणी भाग लेते हैं तथा युग्मक का, तथा युग्मक का संलयन होता है, संलयन होता
है। अगला पॉइंट है, इसमें समसूत्री, इसमें समसूत्री तथा अर्धसूत्री, अर्ध सूत्री विभाजन होता है, विभाजन होता है। अगला पॉइंट है, जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु, अंडाणु और पादप में, और पादप में परागकण तथा, परागकण तथा अंडप, अंडप होते हैं या बनते हैं। अगला पॉइंट है, संतति जनक से आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। इसके पहले आप लोगों को जब अलैंगिक जनन पढ़ाया गया होगा, उसमें बताया गया होगा कि संतत जो है जनक के समान होते हैं, लेकिन लैंगिक जनक की जब बात की जाएगी तो उसमें जो संतति होंगे यानी जो नए जीव का निर्माण होगा वो अनुवांशिक रूप से भिन्न होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है, पांचवा, प्रजनन की दर धीमी होती है, धीमी होती है। अगला पॉइंट है, यह उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, जीवों में होता है। तो इस प्रकार इसकी विशेषताएं हो गई। उसके बाद आगे देखेंगे लैंगिक जनन की अवस्थाएं। चलिए आगे देखते हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की अवस्थाएं। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन की अवस्थाओं को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक है किशोरावस्था, किशोरावस्था या इसे इंग्लिश में कहा जाता है जेनुअल फेज। उसके बाद नंबर दो पे है प्रजनन अवस्था
इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन फेज, रिप्रोडक्शन फेज। उसके बाद तीसरी अवस्था है जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था या जीर्णा अवस्था कहीं कहीं लिखा होता है, जीर्णा अवस्था। इसे सेनसेंट, सेनेस, सेंट फेज कहा जाता है। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। तो सबसे पहले देखेंगे किशोरावस्था। नंबर एक पे आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था। सबसे पहले जानेंगे किशोरावस्था क्या है, इसमें जानेंगे इस काल में, इस काल में प्राणियों में, प्राणियों में तीव्रता से वृद्धि होती है, वृद्धि होती है तथा विभिन्न संरचनाएं, तथा विभिन्न संरचनाएं बनती हैं, संरचनाएं बनती हैं। पादपों में, पादपों में इसे कायिक अवस्था भी कहते हैं, भी कहते हैं, यानी पादपों में इसे कायिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यदि दूसरी अवस्था की बात किया जाए तो नंबर दो पे आता है प्रजनन अवस्था। नंबर दो की यदि बात किया जाए तो उसमें नंबर दो पे आता है प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था। इसमें देखेंगे, इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे प्रजनन अवस्था क्या है। चलिए नंबर एक, इस अवस्था में, इस अवस्था में प्राणी प्रजनन क्षमता, प्राणी प्रजनन क्षमता विकसित कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। अगला पॉइंट है इसके प्रारंभिक काल को, इसके प्रारंभिक काल को, प्रारंभिक काल को यौनारंभ कहा जाता है, यौनारंभ कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे इस काल में, इस काल में लैंगिक अंगों का,
अंगों का विकास व परिपक्वता होती है, व परिपक्वता होती है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। अगला पॉइंट, पुष्पधारी पादप में यह अवस्था पुष्प उत्पन्न से प्रारंभ होती है। यदि पुष्पधारी पादप की बात किया जाए, यानी पुष्पधारी पादप, तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पधारी पादप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उसको देखेंगे। यानी पुष्पधारी पादप यह प्रजनन अवस्था में है, तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पधारी पादप, तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पधारी पादप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि एक बार पुष्प धारण करना, यानी केवल एक बार पुष्प धारण करना। और वहीं अगर पॉलीकार्पिक की बात किया जाए तो एक से अधिक बार, यानी अधिक बार पुष्प धारण। अब मोनोकार्पिक जो पादप होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें एक वर्षीय तथा दूसरा बहुवर्षीय। यानी कहने का मतलब इनकी आयु के अनुसार कुछ ऐसे पादप होते हैं जो एक वर्षीय होते हैं और कुछ ऐसे पादप होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। तो एक वर्षीय पादप के अंतर्गत मुख्यतः गेहूं, धान, मूली, गाजर आदि आते हैं, यानी आदि पादप आते हैं। वहीं अगर बहुवर्षीय पादप की बात किया जाए तो बहुवर्षीय में मुख्यतः बांस, या जिसे इंग्लिश में बम्बू कहा जाता है,
बांस, इसकी अनेक प्रजातियां होती हैं, तो वो सभी प्रजातियां बहुवर्षीय पादप के अंतर्गत आती है। बांस नीला कुरेंजी, कुरेंजी यहाँ नीला कुरेंजी आदि बहुवर्षीय पादप के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर पॉलीकार्पिक की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत मुख्यतः बहुवर्षीय पादप आते हैं। बहुवर्षीय इसके अंतर्गत मुख्यतः आम, सेब, कटहल, अंगूर, संतरा आदि पादप आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लैंगिक दृष्टि से पुष्पधारी पादप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का सेंस होता है कि वह केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं, और पॉलीकार्पिक का सेंस ये होता है कि वह एक से अधिक बार पुष्प धारण करते हैं। मोनोकार्पिक पादप जो होते हैं वो एक वर्षीय और बहुवर्षीय दोनों होते हैं। एक वर्षीय के अंतर्गत गेहूं, धान, मूली, गाजर आदि पादप आते हैं। बहुवर्षीय के अंतर्गत बांस और नीला कुरंजी आता है। वहीं अगर पॉलीकार्पिक की बात किया जाए तो पॉलीकार्पिक के अंतर्गत मुख्यतः बहुवर्षीय पादप आते हैं, जिसमें आम, सेब, कटहल, अंगूर, संतरा आदि पादप आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अगर लैंगिक दृष्टि से जंतु की बात किया जाए कि लैंगिक दृष्टि से जंतु कितने प्रकार के होते हैं, यानी अभी तक पुष्पधारी पादप के बारे में बताया गया, अब यहाँ लैंगिक दृष्टि से जंतु। तो लैंगिक दृष्टि से जंतु भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मौसमी प्रजनक और दूसरा है सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक की यदि बात किया जाए तो इसके अंतर्गत मुख्यतः मेंढक, छिपकली, पक्षी, अधिकतर पक्षी जो आते हैं, हिरण आदि। उसके बाद वहीं अगर सतत प्रजनक की बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः दुधारू पशु मुर्गी, हैन, चूहा, खरगोश आदि आते हैं। अब मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, यानी मौसमी प्रजनक के अंतर्गत मेंढक, छिपकली, पक्षी, हिरण आदि आते हैं। उसके बाद यदि सतत प्रजनक की बात किया जाए तो इसमें दुधारू पशु, मुर्गी, चूहा, खरगोश आदि आते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रजनक के अंदर चक्रीय परिवर्तन होता है, और यह चक्रीय परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक, ये ऐसा क्यों होता है? तो यह चक्रीय परिवर्तन के कारण होता है। तो नीचे ही नोट में लिख लेंगे कि मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक मुख्यतः चक्रीय परिवर्तन के कारण होता है।
परिवर्तन के कारण। ये चक्रीय परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इन दोनों प्रकारों की बात कर लिया जाए, इसका डिस्कशन कर लिया जाए। चलिए देखते हैं चक्रीय परिवर्तन के जो दो प्रकार हैं वो कौन-कौन से हैं। तो उसमें नंबर एक भी आता है आर्तो चक्र, आर्तो चक्र, या इसे कहा जाता है ऋतुस्राव ऋतु स्राव, या इसे कहा जाता है रज चक्र, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहीं अगर दूसरे चक्र की बात किया जाए तो उसे मद चक्र या ओएस्ट्रस चक्र, ओएस्ट्रस चक्र, या इंग्लिश में से ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। शार्ट में इसे EMC और इसे OC कहा जाता है। तो इसकी विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहले आर्तो चक्र क्या है, या ऋतुस्राव या रज चक्र। तो सबसे पहले आर्तो चक्र, और वहीं अगर मद चक्र की बात किया जाए या जिसे ओएस्ट्रस साइकिल कहा जाता है, दोनों की तुलना देख लेंगे कि इन दोनों में क्या क्या संबंध होते हैं। तो इसमें नंबर एक, यह केवल प्राइमेट में होता है, में होता है। यह नॉन प्राइमेट में, यह नॉन प्राइमेट में होता है। उसके बाद दूसरे गुण की यदि बात किया जाए तो इस चक्र के अंत में, इस चक्र के अंत में रुधिर स्राव होता है, स्राव होता है। वहीं अगर मद चक्र की बात किया जाए तो इसमें रुधिर स्राव नहीं होता है, नहीं होता है। उसके बाद यदि तीसरे कैरेक्टर की बात किया जाए तो तीसरे पे आता है कामोन मद में
चक्रीय परिवर्तन नहीं होता है। चक्रीय परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर इसकी बात किया जाए तो कामोन्माद में चक्रीय परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन होता है। वहीं अगर अगले कैरेक्टर की बात किया जाए तो अगले नंबर पे आता है गर्भाशय का एंडोमेट्रियम स्तर, एंडोमेट्रियम स्तर का ऊतक नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर रुधिर के साथ बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसमें चौथे कैरेक्टर की यदि बात किया जाए तो इसमें जो एंडोमेट्रियम अस्तर का ऊतक एंडोमेट्रियम का अस्तर का ऊतक अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद यदि उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण में मुख्यतः इसमें बंदर, लंगूर तथा मनुष्य आते हैं। वहीं अगर इसमें उदाहरण की बात किया जाए तो इसमें मुख्यतः पशु आते हैं, पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि जो फीमेल्स हैं वो सब में मदचक्र होता है। उसके बाद यदि लैंगिक जनन की अवस्थाओं की बात किया जाए तो तीसरी अवस्था आता है जिसे जीर्ण अवस्था कहा जाता है। तो तीसरी अवस्था जो है उसे जीर्ण अवस्था कहा जाता है। इसके बारे में जानेंगे पॉइंट वाइज, तो नंबर एक पे रख सकते हैं यह प्रजनन काल के बाद की अवस्था है, बाद की अवस्था है। अगले नंबर पे रख सकते हैं इसमें प्राणी के शरीर की कारिकी
यौम संरचना, यौम संरचना का पतन होता है, पतन होता है या होने लगता है। उसके बाद अगले कैरेक्टर की बात किया जाए तो अंततः प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लैंगिक जनन की तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था किशोरावस्था, दूसरा था प्रजनन अवस्था और तीसरा जीर्णावस्था। उसके बाद आगे हम बात करेंगे लैंगिक जनन के प्रकार की। लैंगिक जनन के प्रकार तो लैंगिक जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है एम्फीगोनी, जिसे इंग्लिश में भी एम्फीगोनी लिखा जाता है, एम्फीगोनी, और दूसरा है आनिषेक जनन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो सबसे पहले जानेंगे कि एम्फीगोनी क्या है। नंबर एक पे एम्फीगोनी, तो इसमें देखेंगे कि एम्फीगोनी क्या है। चलिए देखेंगे इसमें क्या होता है एम्फीगोनी में। तो इसमें एक या दो भिन्न जनकों के युग्मकों का संलयन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज, या जिसे इंग्लिश में जाइगोट कहा जाता है, का निर्माण होता है। अब इसके बाद आगे देखेंगे एम्फीगोनी के प्रकार। तो एम्फीगोनी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है युग्मक संलयन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन गेमी, और दूसरा है संयुग्मन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंजुगेशन।
कंजुगेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि युग्मक संलयन क्या है। इसमें पहला जो प्रकार है, पहला युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन गैमी। इसमें देखेंगे, इसमें दो भिन्न जीव के युग्मक का संलयन होता है, संलयन होता है। उसके बाद यदि युग्मक संलयन के प्रकारों की बात की जाए तो उसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। देखेंगे युग्मक संलयन के प्रकार। युग्मक संलयन के प्रकार, तो युग्मक के संलयन के प्रकार को कुछ इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्रोत के आधार पर, और दूसरा है संरचना तथा स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के युग्मक संलयन होते हैं। स्रोत के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के युग्मक संलयन होते हैं, जिसमें पहला है इंडोगैमी और दूसरा है एक्सोगैमी। इंडोगैमी की यदि बात किया जाए तो इसमें युग्मक का संलयन एक ही जंतु से होता है, एक ही जंतु से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें आता है टीनिया। उसके बाद एक्सोगैमी की यदि बात किया जाए तो इसमें युग्मक विभिन्न जनकों से विभिन्न जनकों से संलयित होते हैं, संलयित होते हैं। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः मेढक खरगोश आदि जीव आते हैं। तो यानी कहने का मतलब युग्मक का जो संलयन है वो स्रोत के आधार पे मुख्यतः
दो प्रकार का पाया जाता है, एक इंडोगैमी और दूसरा एक्सोगैमी। इंडोगैमी में युग्मक का जो संलयन होता है वो केवल एक ही जंतु से होता है जैसे टीनिया, और एक्सोगैमी में युग्मक का जो संलयन होता है वो विभिन्न जनकों से होता है जैसे मेढक, खरगोश। उसके बाद यदि संरचना के आधार पर देखा जाए युग्मक का संलयन, संरचना या स्वभाव के आधार पर, तो ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है आइसोगैमी, आइसोगैमी, और दूसरा है इनआइसोगैमी, इन आइसोगैमी। तो सबसे पहले ये देखेंगे आइसोगैमी क्या है। तो इसमें इसमें नर तथा मादा युग्मक की संरचना, नर तथा मादा युग्मक की संरचना, संरचना तथा स्वभाव समान होता है, समान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें मुख्यतः आता है मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, उसके बाद यदि एन आइसोगैमी की बात किया जाए तो इसमें नर तथा मादा युग्मक की संरचना, संरचना तथा स्वभाव असमान होता है, असमान होता है। जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मलेरिया का एक परजीवी होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम तथा सभी कशेरुकी प्राणी, तथा सभी कशेरुकी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यानी कहने का मतलब युग्मक का जो संलयन होता है वह मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, स्रोत के आधार पर और संरचना के आधार पर। उसके बाद एम्फीगनी का दूसरा प्रकार देखेंगे, यानी पहला प्रकार था युग्मक संलयन और दूसरा प्रकार था संयुग्मन या जिसे कंजुगेशन कहा जाता है। तो जो दूसरा प्रकार था उसे संयुग्मन या इंग्लिश में कंजुगेशन कहा जाता है वो देखेंगे। जो एम्फीगोनी का दूसरा प्रकार था इसमें देखेंगे, इसमें दो जनक अस्थाई, अस्थाई रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और पूर्व केंद्रकों का, पूर्व
केंद्रकों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें देखेंगे तो इसमें मुख्यतः पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम। उसके बाद लैंगिक जनन के यदि दूसरे प्रकार की बात किया जाए जिसे अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है उसको देखेंगे, तो लैंगिक जनन का जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, ये बोर्ड परीक्षा के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। या इसे इंग्लिश में कहा जाता है पार्थेनो, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। लैंगिक जनन में शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर, एक द्विगुणित, युग्मनज बनाता है, परंतु कुछ जीवों में अनिषेचित अंडे से ही नए संतति जीव का निर्माण होता है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ जीवों में अनिषेचित अंडे से जो नई संतति बनती है उसे ही अनिषेक जनन कहते हैं। उसके बाद यदि इसके प्रकार की बात किया जाए तो अनिषेक जनन के प्रकार, तो यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्राकृतिक अनिषेक जनन और दूसरा है कृत्रिम अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है,
जिसमें पहला है आगुणित आगुणित और दूसरा है द्विगुणित, दूसरा है द्विगुणित। तो सबसे पहले आगुणित की बात कर लेते हैं, उसके बाद द्विगुणित की, उसके बाद कृत्रिम अनिषेक जनन की। सबसे पहले देखेंगे आगुणित क्या है, आगुणित किसे कहते हैं। तो उसमें देखेंगे आगुणित पहला जो है आगुणित, इसमें इसमें बिना निषेचन के, बिना निषेचन के अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का संलयन होता है, युग्मक का संलयन होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी आता है। उसके बाद दूसरा है द्विगुणित, द्विगुणित इसमें देखेंगे इसमें मादा के अंडजनक, इसमें मादा के अंडजनक अंडजनक कोशिकाओं में विशेषकर या विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे समस्त गुणसूत्र, जिससे समस्त गुणसूत्र अंड कोशिका में आ जाते हैं, अंड कोशिका में आ जाते हैं। और नई संतति का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें मुख्यतः एफिड्स एफिड्स आते हैं। उसके बाद यदि अनिषेक जनन के दूसरे प्रकार की बात किया जाए तो दूसरा प्रकार है कृत्रिम अनिषेक जनन, कृत्रिम अनिषेक जनन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। इसमें देखेंगे क्या होता है, जंतुओं के अंडाणु को
जंतुओं की अंडाणु को कृत्रिम रूप से निषेचित करके नई संतति का निर्माण किया जाता है। नई संतति का निर्माण किया जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मुख्यतः मेढक, मेढक, समुद्री अर्चिन आदि आते हैं। तो आज बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस आज इतना ही। जय हिंद।